तो राकेश जी के कैद के बाद हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने और किसानों से भी बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई है किसान आंदोलन की, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, एक आदमी तो उसमें रिजाइन करके चले गया। हम कमेटी को किसी को नहीं मानते, ना हम वो किसी कमेटी के सामने पेश होंगे। हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं ये बात। सर, इसके साथ कल कमेटी की बैठक हुई थी और कमेटी की बैठक में जो सदस्य मौजूद थे उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को 11 बजे जो है तमाम किसान संगठनों को बुला रहे हैं बातचीत के लिए, वो अपनी मांग जो है वहाँ पर आकर रखें। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं कि आप लोग सर वहाँ पर जाएंगे? नहीं, हमने सरकार पास मांग रख चुके हैं, क्योंकि ये कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो बनाए नहीं, इसलिए हम पार्लियामेंट जो जे वापस भी होने हैं तो पार्लियामेंट से वापस होने हैं। क्या हल निकलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, हर बार जब भी हम जाते हैं उम्मीद के साथ जाते हैं, एंड वी आर आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और बार बार जो पत्रकार और आम जनता जो देख रहे हैं वो पूछते हैं, एक बार हो गया, दो बार हो गया, 10 बार हो गए, क्या नतीजा निकल के आ जाएगा? क्या किसान तो बिल्कुल सब्र के साथ अपना काम करते हैं। जैसे जब वो बीज बोते हैं 6 महीने के लिए वेट करते हैं उसका कुछ परिणाम निकलने के लिए, उनमें तो वो सब्र है। और बाकी लोगों को भी सब्र के साथ ही ये देखना चाहिए कि क्या होगा, और जितना हो सके अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें। ये एक जन आंदोलन है।